Assalamu alaikum. Dear student, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल्स विच इज यूज इन एक्वाकल्चर. एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट केमिकल्स को, एंटीबायोटिक्स को, डिसइनफेक्टेंट को यूज कर सकते हैं इफ देयर इज एनी डिजीज आउटब्रेक इन एक्वाकल्चर एंड हाउ वी कैन ओवरकम दैट पर्टिकुलर डिजीज. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ केमिकल्स फॉर द एक्वाकल्चर. हमें केमिकल्स की यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले चीज़ तो ये है कि फार्मर जो हैं, बहुत सारे फार्मर होते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं और बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं. तो जब भी किसी फार्म के ऊपर डिजीज आउटब्रेक होती है तो वहाँ पे क्योंकि अनएजुकेटेड फार्मर है तो मतलब सडन हमने फिश को बचाना होता है उस डिजीज से. तो हम डिफरेंट केमिकल्स को, एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम एक दफा बीमारी को ख़त्म कर सके, उसके बाद हम उसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एक्वाकल्चर के अंदर, फिशरीज के अंदर. बट इतने ज़्यादा केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स यूज हुई हैं कि उसकी वजह से फिश के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है कि अगर आप मजीद केमिकल्स को यूज़ भी करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हम आज के लेक्चर में केमिकल्स को डिस्कस करेंगे, बट केमिकल्स की अल्टरनेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज जो है वो आजकल यूज़ हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स. और दूसरी चीज़ ये कि केमिकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करते हैं. देन अगर ह्यूमंस जो हैं वो उस फिश को खाते हैं जो कि केमिकली ट्रीटेड होती है तो वो ह्यूमंस की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. बट क्योंकि केमिकल्स एक सडन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल्स आर ऑल्सो नेसेसरी एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइनफेक्टेंट एज वेल. तो सबसे पहली चीज़ तो ये केमिकल्स को हम पैथोजन और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई भी डिजीज़ आउटब्रेक नहीं होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो अल्टीमेटली जो सीड है उसके प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फीडिंग एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज एंड द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी इम्प्रूव अल्टीमेटली. और इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और एनिमल वेलफेयर भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं. अब सबसे पहले हम डिसइनफेक्टेंट को यूज़ करेंगे, डिसइनफेक्ट इस्तेमाल मतलब स्टडी करेंगे. डिसइनफेक्टेंट क्या होता है कि एज यू नो कि देयर आर टू टर्म्स दैट आर यूज्ड इन बायोलॉजी. द फर्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक एंड द सेकंड इज डिसइनफेक्टेंट. एंटीसेप्टिक होता है कि अगर लिविंग सर्फेस से हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं. और डिसइनफेक्टेंट होता है कि अगर आप मतलब नॉन लिविंग सर्फेस से आपने केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है तो उसके लिए आप डिसइनफेक्टेंट को इस्तेमाल करते हैं. सो डिसइनफेक्टेंट आर डिफरेंट टाइप्स. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज हाइपोक्लोरेट. ठीक है, हाइपोक्लोरेट सोडियम भी है और कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी है. अब ये एक डिसइनफेक्टेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिस टैंक और इक्विपमेंट के अंदर आपने फिश को रखना है, श्रिम्प को रखना है, प्रॉन को रखना है या फिर किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को आप कल्चर करना चाहते हैं तो उसको जर्म फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हाइपोक्लोरेट इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जो क्लोरीन है, जब सनलाइट का एक्सपोजर उस टैंक के साथ इक्विपमेंट के साथ होगा तो वो ऑब्वियसली डिके हो जाएगी और क्लोरीन जो है उसको ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेता है थ्रू ऑक्सीडेशन. अब सेकंड जो है वो है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसको बेंजाइल कोनियम क्लोराइड भी कहते हैं. ये एक डिटर्जेंट और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये श्रीम पाउंड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है, लेकिन हम उन फिश के लिए इस्तेमाल नहीं करते जो कि कंज्यूमेबल फिश होती है. देन EDTA जो है ये भी एक डिसइनफेक्टेंट है और EDTA आप मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडीज इट इज यूज फॉर द श्रिम्प हैचरी. जहाँ पे श्रिम्प का लार्वा रेयर करना है आपने, उससे पहले आपने उसको डिसइनफेक्टेंट करना है EDTA के साथ. ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होता है, ये हैवी मेटल्स की बायो अवेलेबिलिटी को बहुत कम कर देता है. और लाइम जो कि बहुत ज़्यादा फार्मर इस्तेमाल करते हैं, लाइम एक्चुअली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और अल्कलिनिटी को इंक्रीज करता है. और कितना लाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 से 8000 kg पर हेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. देन अगर किसी भी पाउंड के अंदर कोई डिजीज आउटब्रेक है, ठीक है, तो वहां पे आप लाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो लाइम अमोनियम फॉस्फेट के साथ मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे ताकि वहां पे जो पेस्ट है, जो प्रीडेटर्स हैं, उनको खत्म किया जा सके. और आपने कितना लाइम इस्तेमाल करना है, 50 से 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर.
देन फीड एडिटिव्स के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सल्फोनामाइड्स हैं. सल्फोनामाइड्स में आप यूज़ कर सकते हैं सल्फामेराजाइन और रोमेट 30. ठीक है, अब ये दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं अगर किसी भी फिश के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे 14 डेज के लिए. और अगर 1 kg की फिश है तो उसके लिए आप इसकी डोज 220 mg रखेंगे. और ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो 3 दिन के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. अब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है या फिर फिश के अंदर ब्लॉटिंग या ड्रॉपसी हो सकती है. ड्रॉपसी मतलब अगर स्टमिक उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर फिल हो जाता है. देन रोमेट 30 आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्नल फ्यूरोक्यूलोसिस एक फंगल डिसऑर्डर है. ठीक है, अगर ये डिसऑर्डर हो गया तो उसकी उसको रिमूव करने के लिए आप रोमेट 30 इस्तेमाल कर सकते हैं. और 50 mg पर kg फिश जो है वो पर डे, मतलब एक फिश जिसका साइज 1 kg है और आप उसके लिए रिकमेंडेड जो डोज इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 50 mg, और एक दिन में आपने इस्तेमाल करनी है. और टोटल 5 to 7 days के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये इफेक्टिव है इसी, मतलब इंटायरिक सेप्टिसेमिया डिजीज के लिए भी इफेक्टिव है, और ये कैटफिश की हैचरी के लिए इस्तेमाल की जा रही है. देन टेरामाइसिन विच इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है. और ये भी अगर एक kg की फिश है तो उसके लिए आप 55 to 83 mg यूज कर सकते हैं. और ये प्रोफाइलेक्टिक बेसिस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप. और इसमें भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आ गई है, क्योंकि ये फार्मर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जितनी भी ज़्यादा कोई चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेंगे. देन आप कुछ थ्रैप्योटिक्स हैं, केमिकल्स हैं जिनको आप वाटर में ऐड कर सकते हैं. आप उसको फिश को बाथ दे सकते हैं, उसका स्टैटिक बाथ होना चाहिए. ठीक है, और ये मोस्ट रिलायबल है रेस पेस के लिए और टैंक के लिए. कांस्टेंट फ्लो भी आप मतलब ऐसा बात भी दे सकते हैं जिसमें वाटर कांस्टेंटली फ्लो कर रहा है. और ये सेफ है और ज़्यादा यूज है अगर आप फिश को रनिंग वाटर में रेयर कर रहे हैं. अब केमिकल्स हैं जिसमें फॉर्मलिन आप इसके लिए, मतलब जो वाटर में हम ऐड करते हैं तो उसमें एक केमिकल है फॉर्मलिन. अब आप ये इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी फिश को फंगल इन्फेक्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए, या फिर कोई पैरासिटिक है जो पैरासाइट बॉडी के बाहर है उसको रिमूव करने के लिए. और इसके लिए आप 20 15 से 250 यूनिट पर लीटर यूज करेंगे फिश के लिए और क्रस्टेशियन के लिए. देन पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो यूज एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर फंगल इन्फेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड देन NaCl साल्ट जो है सिंपल, जो आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. और इसका आपने सिर्फ उसको बाथ देना है. ठीक है, और 10 से 30 मिनट के लिए आप उसकी बात को मतलब बात के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं.